ये डर अच्छा लगा, पाकिस्तान का जो ये डर है वो अच्छा लगा। टोटल ड्रामा चल रहा है वहां पे। आप रो रोज बोलते हैं कि भाई चलिए आज तो हमने ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड भी डिस्कस करी, हमने इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिस्कस करी राहुल द्रविड़ साहब की, अब तो हमारी सीरीज भी कल शुरू हो जाएगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बोला वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिहाज से भी उन्होंने बता दिया कि भैया उसमें भी सूर्य कुमार यादव को रखेंगे। यहां पर मतलब मोर ऑर लेस यही है कि भाई उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान ने जो मेरे ख्याल 24-25 तारीख को इंडिया आ जाना है ना, दुबई जाएंगे, दुबई से इंडिया आ जाएंगे, 25 को दुबई जाएंगे, 25 को दुबई जाएंगे, आएगा कौन कौन अभी तक समझ नहीं आ रही। एक 228 रन की हार क्या पड़ी है, अब तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि ऐसी पड़ी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि भाई टीम कहां है, कप्तान कहां है, सिलेक्टर कहां है, पीसीबी के चेयरमैन कहां है। रोज नए ड्रामे हो रहे हैं, पूरा पूरा का पूरा ड्रामा कंपनी हो चुका है पाकिस्तान, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। अभी डेट क्लोज आई जा रही है, अब ये बोल रहे हैं शायद 25 तारीख को ही, या ये बोल रहे हैं कि 28 तक दे सकते हैं, उससे पहले या 25 को ही देंगे। वैसे बातें चल रही है, खबरें चल रही है कल आ जाएगी। अभी कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं भाई शायद एक घंटे में आ जाएगी, सुबह से आधे घंटे 15 मिनट में आ जाएगी, 6 बजे के बाद आ जाएगी स्क्वाड, मतलब साउथ स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाएगी। समझ ही नहीं आ रही इनको कि इनके साथ में हुआ क्या है, इतना बौखलाए बौखलाए मारे मारे क्यों फिर रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ। अच्छा संडे को तो डिसाइड हो गया था, इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर, उनके साथ में बात हो गई बाबर आजम की, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस भी दे दी। मोहम्मद हफीज की बात आ गई कि उन्होंने भी बता दिया भाई अपने इनपुट्स। मोहम्मद हफीज ने एक जर्नलिस्ट है उनको मना भी किया कि भाई आप झूठी खबरें फैला रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि सरफराज को ले लो, मैंने ऐसा नहीं बोला था इमाद वसीम को ले लो, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मोहम्मद हारिस कहां से आ गए। हालांकि ये वैलिड पॉइंट्स ही सुनाई देते हैं, मगर उन्होंने भी खारिज कर दिया भाई मैंने कुछ नहीं बोला। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है और उनको समझ में नहीं आ रही कि हम की टीम के साथ करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बिकॉज अगर आप देखेंगे अब खबरें आ रही है भाई नसीम शाह के स्कैन के लिए वेट कर रहे हैं कि नसीम शाह जी कब तक वापस आ जाएंगे, तो उनके स्कैन के लिए वेट क्या वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद स्कैन आ रहा है, कब तक आपको ये मतलब आपको ये कब तक भरोसा हो जाएगा। नसीम की तो खबर ये है कि जी आखिर तक वेट कर रहे हैं क्योंकि 27 तारीख तक आप अनाउंस कर सकते हो, आखिर तक तो ये 26 तारीख तक वेट करेंगे वर्ल्ड कप खत्म होने तक। नहीं खत्म होने तक तो खैर आपने भी ट्वीट किया था ना कब का वर्ल्ड कप के बाद स्क्वाड अनाउंस करेंगे, लेकिन इनके मन में शायद यही है कि नसीम की फाइनल अपडेट जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यार आप इंडिया ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि आज की डेट में वाकई में इनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि क्या हम किसी भी स्क्वाड के साथ जीत सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया ही नहीं, हर प्लेयर बनाई नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि हम डिले करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें। भाई पहले तो आप ड्रामेबाजियां गलौर हो रही थी कि भैया ये रहा मैच, मैच से पहले हमारी ये लही 11, मैच से पहले मैच कल है ये लीजिए 11 हमारी ट्विटर के ऊपर डाल दी, अच्छा कल मैच है ये लीजिए पाकिस्तान की 11। अब एक तो अच्छा उस टाइम पर भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड सबमिट करा दिया था, अनाउंस नहीं किया भाई है ना, पता नहीं क्या उसमें सीक्रेट हीरे चांदी सोना ऐसा भरा हुआ है कि अनाउंस नहीं करना था, और अभी भी नहीं इतना टाइम हो गया अभी भी समझ में नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आपका बचा हुआ है भाई ये 3-4 दिन बचे हुए, ठीक है ना, अभी तक तो स्क्वाड अनाउंसमेंट इनकी हुई नहीं, नहीं हुई है। नसीम का पता नहीं, पता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं अबरार अहमद की बहुत मार्केट गर्म है, अबरार अहमद अबरार अहमद अबरार अहमद अबरार अहमद स्पिनर है, हमारे पास स्पिनर नहीं है क्योंकि शादाब ने तो मरवा दिया, शादाब ने तो मरवा दिया, वो तो T20 के बॉलर प्रूव हो गया, T20 के बॉलर है, वनडे में हो नहीं रहा उनसे, वाइस कैप्टन भी है। पीछे हवा चल रही थी कि शायद शादाब को हटा दो वाइस कैप्टनसी से, शाहीन को ले आओ, फिर हुआ कि शाहीन बाबर का फड्डा हो गया, फिर फैमिली वाली फोटो आ गई, फिर हुआ इफ्तिकार अहमद और शाहीन का फड्डा हो गया, फिर वहां पे भी फैमिली की बातें होने लग गई, फिर मतलब ये था कि नहीं जी ये टीम को बर्बाद करने की साजिश है, ये टीम को डिरेल करने की साजिश है, कोई लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, ये बात सही नहीं है, पाकिस्तान की टीम एक साथ है, सारी बात मान ली, स्क्वाड कहाँ है, स्क्वाड कहाँ है भाई। अगर ये भाई स्क्वाड तो स्क्वाड अभी तक आया था, स्क्वाड आ क्लियर, प्लेयर इनके पास है ही नहीं, बचे ही नहीं किसको रखे, किसी के ऊपर भरोसा बचा नहीं, इंजरी हो गई, उसके बाद आप देख लो लास्ट मोमेंट में इन्होंने फखर को ड्रॉप किया, मोहम्मद हारिस को खिलाया, अब ये मोहम्मद हारिस अब सरफराज की बातें हो रही है, मेरे को तो नहीं लग, और कुछ कुछ लोग मोहम्मद आमिर की बातें कर रहे थे, मुझे तो नहीं लग रहा ना सरफराज आ रहा है ना मोहम्मद आमिर आ रहा है, ना मुझे लग रहा है कि ये आपके इमाद वसीम आ रहे हैं, ये तीनों के नाम पे मुझे तो शक है भाई।
ले दे के एक ही है इनका, हसन अली। हसन अली वो आ जाएगा वापस, मुझे लग रहा है कि हसन अली ने वापस आ जाना है। नहीं, उनका तो ऐसे करके ये था क्या? हाँ अच्छा, हसन अली ने वापस आ जाना है, और हसन अली की मार्केट गर्म है, बिकॉज हसन अली के पास एक्सपीरियंस है पिटने का, है ना। हसन अली जो है वो रन मशीन हसन अली हैं, तो वो काफ़ी टाइम से, तो यार इतने टाइम से जो खेले ही नहीं है, एक्सपीरियंस से मान लिया, लेकिन इंजरी से भी तो वापस आ रहे हैं, अपनी एक तो वीडियो डाल दी, इंजरी से वापस आ रहे हैं यार, इंजरी से वापस भी आ रहे हैं नसीम का। अब ये टेस्ट मैचेस में, टेस्ट मैचेस का तो पार्ट थे पाक टेस्ट टीम का, लेकिन ओडीआई तो काफी है। जमान खान, अब जमान खान ओपनिंग बॉलिंग करा नहीं सकता, वो कराएगा डेथ बॉलिंग। डेथ में हसन अली को करा लिया तो पिटेगा, जमान खान को शुरू में करा लिया तो पिटेगा, तो विकेट वो टॉप पे ले नहीं सकता। शाहीन को विकेट वैसे नहीं मिल रही ऑन टॉप, शाहीन के भी इंजरी के मसले हैं। हारिस अभी इंजरी से वापस आ रहा है, नसीम का पता ही नहीं है। बाबर को सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई तुम हार कैसे गए, फहीम को आप रखोगे नहीं मेरे हिसाब से। ये तो इंक्वायरी का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंक्वायरी हो रही है, बाबर आजम से पूछा जा रहा है भाई कैसे हार गए। इंक्वायरी का तो पुराना रिवाज है ना कि हार गए तो मानना ही नहीं, कभी भी हो जाती है। हाँ वहां पर, और फिक्सिंग का भी तो रखते हैं ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्लेयर्स ने कुछ कर लिया हो। लेकिन जो आज आपने जिस चीज से शुरुआत की कि पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये डर जो है वो अच्छा है, इसी से आपने जो है वो शुरुआत की। तो और ये जो डायलॉग, अरे अरे यार क्या कर रहे हैं आप भाई, कैसी कैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बोला डर, देखिए डर यार, जैसा साहब को ऐसी तस्वीरें ना दिखाएं, आप हटाएं हटाएं हटा दे लोग यार, हाथ जोड़ रहा हूं आपके, हटा दें यार, ऐसे ना करें। कहां से ये तस्वीर किसने दी है? जैसा साहब जो है वो खुश लग रहे थे तस्वीर में। यार आपने तस्वीर कैसे फिट करी है यहाँ पर? तस्वीर देखिए, डर की बात हो रही थी ना, और जब 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 इंडिया पाक की बात होती है, हम गेम में भी बात कर रहे थे, जैसा 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 का नाम अपने आप आ जाता है, तो सोचा कि चलो डर है तो डर अच्छा है। गलत बात, डर को दिखाते हैं, गलत बात है। और देखिए आप ये जरूर है कि भाई हम भी वेट कर रहे हैं कि कब उनकी टीम आएगी, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टीम के अंदर। अच्छा आपने भी तो टीम बनाई थी, टीम दिखा दे जरा आप। मैंने स्क्वाड बनाया था, जरा स्क्वाड दिखाएं रॉबिन। वीमिक्स में पड़ा होगा शायद, कल आज सुबह जो मैंने स्क्वाड बनवाया था आदित्य से, आदित्य आप चले गए हैं, हाँ दिखाइए दिखाइए, लेकिन वो स्क्वाड जरूर दिखाइए आप, स्क्वाड दिखा। अच्छा, वह वकास राइस बोल रहे हैं 28 तक लास्ट डेट है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम 28, मैं तो कह रहा हूँ 28 नहीं, 28 से भी आगे बढ़ जाओ, नवंबर तक दे देना। 25 तारीख को तो आपने आना नहीं है। जो टीम थोड़े दिन पहले तक ये है 11 शाहीनों की, ये टीम आ चुकी है, ये हमने ट्विटर पे डाल दी 11, अब फिर रे मारा मारा के 11 तो छोड़ दो, 15 का नहीं पता हुआ। आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में पहले अर्जी दी हुई है, अब हो रहा है कि किसको डालें किसको ना डालें। अच्छा इसमें बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमान, शुक्र है फखर जमान रख ली, अकल आ गई है इनको। नहीं मैंने रखा नहीं, वैसे बोल रहा हूँ फखर जमान रख लेना भाई, वरना बहुत बुरी तरह हारोगे। फिर अब्दुल्ला शफीक है, सलमान अली आगा, इफ्तिकार अहमद, साउथ शकील, ठीक है जी साउथ शकील, सलमान अली आगा भी होगा उसके यहीं पे लगी थी ना, रिजवान, अब नवाज या इमाद, नहीं भाई नवाज ही होगा, इमाद नहीं होगा। शादाब खान तो पता नहीं कर्जा देना उन्होंने शादाब का, उसको खिलाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, जो भी उनकी फिटनेस है उनके भी भैया बता दो, फिटनेस पे सवाल या निशान है याद रखना। हारिस रॉफ तो अभी खेला नहीं जब से बाहर हुआ था, 5 ओवर कराए और वो मेरे ख्याल टेनिस बॉल के साथ जिगलिंग जिगलिंग कर रहे थे उसके बाद। हसन अली का नाम आ रहा है, यूं क्या था ये, हाँ ऐसे हसन अली का नाम आ रहा है कि बोलो तारा रारा, यूं करके ये करेंगे ऐसी मार खाएंगे, तो हसन अली का जी का नाम आ रहा है। जमान खान और उसामा मीर को बाहर कर अबरार अहमद, अबरार अहमद। अच्छा उसामा मीर तो एशिया कप खेला ही नहीं, खेला ही नहीं अफगानिस्तान वाली गेम में, वहां पे ना बैटिंग हुई ना इतनी अच्छी बॉलिंग हुई, तो हाइट से ऊपर भेज दिया था, बोल रहे थे जी हमारी हाइट बहुत है उसामा की, पता नहीं कहां तारों में से बॉल करा देगा ये करा देगा, बट चला नहीं उसामा मीर, बेसिकली चला नहीं उसामा मीर। एक ही गेम खिलाया आपने, एक गेम में आप कैसे जज कर सकते हो? हाँ। चलो एक गेम तो किसी का भी खराब चले जाता है, लेकिन उसको आपने बाद में खिलाया नहीं। प्रॉब्लम असल यही तो हो गई कि जो जिन प्लेयर्स को ये लेकर गए थे और जो 11 थी वो सेम 11 थी पिछले 4-6 सीरीज से, मतलब 2 साल से वही 11 खेली जा रही है, वही 11 खेली जा रही है, और जो बेंच स्ट्रेंथ है वहां पर लोग बदले जा रहे हैं, किस बेसिस पे? कोई बेसिस नहीं है, खेले ही नहीं है वो भाई। आपने बेंच स्ट्रेंथ अपनी, यार आप कैसी कैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं आज, यार क्या हो गया आपको भाई? ठीक है इनको ये थोड़ा तो सा वापस आ जाइए यार, ये तस्वीर तो आज जोड़ रहा हूं मैं आपके, वापस आ जाइए। बाबर को देखने टेंशन है, जरूर टेंशन है, मैंने माना है कि टेंशन है, और यही हाल भी यही है। हाँ यही हाल, अब एक्चुअली एक हाथ था पहले मैच में 228 वाले में, अब दो दो हाथ हो गए, दो दो कि यूं फिर रहे हैं, फिर रहे मारे मारे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अबरार अहमद की जहां तक बात है भाई, मुझे नहीं पता
कि अबरार अहमद किस तरीके का खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, क्या होगा वहां पे, कितना अच्छा बॉलिंग कर पाएंगे। इन्होंने वनडे खेला है वैसे कभी? टेस्ट मैच में देखा था, टेस्ट मैचेस खेले, T20 भी खेले आई थिंक, दो चार इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट टेस्ट मैचेस का भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लास्ट ईयर ही जो टेस्ट में डेब्यू किया। और हसन अली को भी देखना पड़ेगा, है ना, बनी बनाई टीम तबाह बर्बाद, देखना यहाँ पे सबको पड़ेगा। बाबर से लेके अबरार अहमद तक सबको देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस तो किसी की नहीं है ना। सुपर चैट दिखा दीजिएगा, आप स्क्वाड चूज करते हो ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, रिसेंट परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी की यहाँ पे आप बता दें। बाबर ने नेपाल के अगेंस्ट रन किए 150, है ना, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर, गुड गाइस। उसके बाद इमाम उलक के कोई रन्स नहीं है, फकर जमा के कोई रन्स नहीं है, अब्दुल्ला शफीक आए श्रीलंका गेम में, ओपन करवाया इनसे, इन्होंने 50 लगा दी। उसके बाद सलमान अली आगा कोई रन नहीं है, बेचारे ने अपने मुंह पर ही गेंद मार ली। इफ्तिकार अहमद ने भी शतक बनाया, ठीक है, नेपाल के अगेंस्ट। देखिए शकील को गेम खिलाया नहीं, शकील को लेके आए हैं कि जी स्पिन बड़ी अच्छा खेल रहे, खेला तो है नहीं। रिजवान ने इक्का दुक्का मैच में जो 50-50 बना दी है, वो भी छोटी मोटी टीम। रिजवान तो ठीक ही खेला है, बुरा नहीं खेला रिजवान के, तो रन है। नवाज को देख लो, कोई परफॉर्मेंस नहीं। UM 123 बोल रहे हैं, जस्ट ओपन योर वीडियो, पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होगे, बस कर दो, हमसे ज्यादा तुम्हें टेंशन है। यार इसमें खिलाफ की क्या बात है बताइए आप, जो टीम थोड़े दिन पहले डाल रही थी कि हम ये है हमारी 11, ये लोग 11 हमारी देख लो, अब उनसे अनाउंस नहीं हो पा रहा। संडे को मीटिंग हो गई थी, व्हाट इज दिस तमाशा, इज दिस अ जोक गोइंग ऑन ओवर हियर, टेल अस व्हाट योर टीम इज, नेदरलैंड इज वेटिंग फॉर यू, नेदरलैंड इज सेइंग रिवील योर टीम नाउ, अफगानिस्तान इज सेइंग हमको टीम दिखाओ, हम कौन सी टीम से साथ हमको खेलना, बदला लेना है, हमको बदला लेना होती। और आप यार पता नहीं क्यों टीम नहीं दिखा पा रहे, ये तो टेंशन की बात है, आप हमें बोल रहे हो, आपको खुद सवाल पूछने चाहिए आपके बिहाफ पे, हम सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे पीसीबी से कि क्या क्या मतलब है जका अशरफ जी का, क्या नाटक छुपा के रखे, क्या तरीका है कि टीम को छुपा के रखा हुआ है, स्क्वाड को छुपा के रखा हुआ है, और जका अशरफ का खुद का पता नहीं है कि उनका पत्ता कब कट जाएगा, नहीं वो वहां पे हो जाए, छुपाएंगे किससे, हाँ दुनिया से या अपने ही लोगों से, क्योंकि भाई स्क्वाड छुपेगी तो नहीं, कब तक आप स्क्वाड को रोक के रखोगे। और अभी तो इन लोगों को खुद नहीं पता है भाई किसको रखना है, अगर इनको पता होता। अच्छा अभी अभी ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज कोई दे रहे हैं, लेकिन वो भी उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया वैसे तो, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है कि पीसीबी ने बोला है कि फ्राइडे को टीम होगी अनाउंस, फ्राइडे मतलब कल, आज थर्सडे है, कल शायद अब आपकी पीसीबी बोल रहा है कि टीम अनाउंस कर देंगे, लेकिन कल हम कल मतलब एक हफ्ते से सुन रहे हैं लेकिन कल नहीं आया। जका अशरफ के खुद के इलेक्शन का चल रहा है मामला, बाबर आजम ने इमाम इंजमाम को हक को बोल दिया, पीसीबी कल ही होगी, क्रिकेट पाकिस्तान ने कर दिया है फ्राइडे, कहाँ बात डिलीट कर दिया इन्होंने भी, डिलीट कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, ये क्या हो रहा है कि इनको भी नहीं पता चल रहा, इनके जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, अभी ट्वीट करा अभी डिलीट कर दिया, आप देख लो ये जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, आ जाओ बेटा फुल स्क्रीन आ जाओ रॉबिन, तो जो भी इनके हम पे इल्जाम लग रहे हैं, इनके जर्नलिस्ट जिनसे जिनसे पूछा कह रहे हैं भाई जाना सानू खुद नहीं पता कर की रहने, इनको आइडिया ही नहीं है कि टीम एक दिन बोल रहे थे मंडे को, संडे को बोला मंडे को आएगी, मंडे को बोला ट्यूसडे को आएगी, ट्यूसडे को बोला हमने तो हमेशा से बोला था वेंसडे को बोला नहीं थर्सडे को 100% है, अब बोल रहे हैं फ्राइडे को। अच्छा कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं 25 तारीख तक आ जाएगी, इन्होंने पहले ट्वीट करके ये लिखा था कि फ्राइडे 11:15 मॉर्निंग में जो है, मैं आपको बता तो रहा हूं इनका पूरा मूड हो गया था कि हम टीम को अनाउंसमेंट टीम के अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक आप, अच्छा आप ये बता दो, रख दो इसको, ये बता दो मुझे, आप सब मुझे ये बता दो, अगर आपने डिसाइड कर लिया आपकी टीम क्या है, क्या रीजन है कि आप जो है अनाउंस नहीं कर पा रहे। नसीम को तो देखो वो शुरू में तो खेलेगा नहीं, उसको आपने स्क्वाड में रिजर्व में रखोगे या कुछ करोगे या बाद में चेंज करोगे अलग बात है, अलग बात है, हाँ। तो नसीम का तो है नहीं, तो नसीम के स्कैन के लिए कब तक रुक लोगे, 1 महीने तो वो कम से कम बाहर है मुझे लग रहा है, 1 महीने तो वो बाहर है, एक महीने वो सेकंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप में ज्वाइन कर ले तो अलग बात है, और वो इंजरी है ना भाई, इंजरी धीरे धीरे रिकवर होती है, ये तो बहाना, ये तो स्कैन करने पड़ते हैं, ये तो बहाना है कि हम नसीम के स्कैन के लिए वेट कर रहे हैं, फालतू की बात, इनकी स्क्वाड अभी तक बनी नहीं पाई है, आपने स्क्वाड तो बाबर आजम ने बोल दिया होगा ना इंजमाम उल हक को, अब यही तो सारा चक्कर है, इंजमाम उल हक और बाबर आजम ने स्क्वाड दे दी, ठीक है ना, जका अशरफ जी अनाउंस नहीं कर रहे, या तो फिर कह रहे पहले मुझे हिसाब दो कि एशिया का भारे कैसे, नहीं, या तो पहले मुझे बताओ किसने हरवाया, और जिसने हरवाया उसको बाहर निकालो, फहीम अशरफ का क्या होगा, फहीम अशरफ को कुछ दोस्त मेरे स्पेस में बोल रहे थे कि वो नवाज शरीफ से मिलके आए थे लंदन में और टीम में आ गए, वो मुझे नहीं पता ये सच्चा की झूठ है,
लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग कराई थी, बुरी तो नहीं कराई, अच्छी बॉलिंग कराई थी तो उसने... उसके बाद हालांकि एंड में विराट ने बहुत कुट लगाई, विराट कोहली खेल रहा है तो फिर आखिर में कोई भी क्या शाहीन तो क्या नसीम तो क्या ये अपना फहीम अशरफ तो क्या कोई भी, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टेंसिया मतलब हैरिस जो भी है तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मतलब कोई रीजन नहीं बचा था कि ये टीम अनाउंस ना करें। एक ही बात हो सकती है अब कि ये फाइनल में मतलब इनके जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं चेयरमैन हैं और जो इन्होंने टीम सबमिट कराई है इनमें डिफरेंसेस हैं कि उनको नहीं ये एतमाद हो रहा या उनको ये एतबार नहीं हो रहा बेसिकली कि ये टीम जीत सकती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई इसमें कौन से प्लेयर डालें बिकॉज ये अपने प्लेयर खिला रहे हैं और बुरे हाल हो गए। ज़काशव साहब ने पुराने लेजेंड्स को भी तो बुलाया था ना कि आप आइए सारे इकट्ठे होके मदद कीजिए हमारी ताकि हम जो है सारे टीम चुन सके अपनी। शोएब जट फैन क्लब बोल रहे हैं इंडिया ने ऐसे नाड़े खोले हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अश्लील पजामे फाड़े पर अब समझ ही नहीं किसका नाड़ा टाइप। यार आप ही पढ़ लें यार, ये मेरे से तो नहीं पढ़ रहा। अच्छा बोल रहे हैं इंडिया ने ऐसे नाड़े खोले हैं अब समझ ही नहीं आ रहा किसका नाड़ा टाइट होने लायक है। वी वांट हसन अली, वी वांट टू सी हाई स्कोरिंग मैचेस। अमित अग्रवाल बोल रहे हैं इनको 228 रन्स की हार पूरे वर्ल्ड कप में याद आएगी। हसन अली हाई स्कोरिंग मैचेस तो होंगे होंगे, वो आ जाएंगे तो रन मशीन तो वहीं 80 रन तो कम से कम खाएंगे वो। ठीक है शोएब जट फैन क्लब थैंक यू सो मच, लेकिन भाई यही है हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना स्पोर्ट्स चैरी को। मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक टीम जिसने डिसीजन ले लिया कि हमारी फाइनल ये हो गई 11, बाबर जी मिल लिए इंजमामुल हक से, ज़का अशरफ जी ने बाबर जी को गिल्ट भी कर लिया कि कैसे हारे, किसने हरवाया, इंजरी कैसे हो गई, बाहर कहाँ गए, मुझे सारे राज बताओ क्या हुआ था ये वो, उन्होंने समझा दिया सारा कि इंडिया ने फोड़ दिया तो हम क्या कर लें और श्रीलंका से भी हार गए एंड में जाके जो भी है उन्होंने बता दिया होगा कि यार मोनोबल कर गया होगा, दो इंजरी हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बावजूद जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये 15 है, लॉक हो गई 15, अभी तक किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे, क्या ये इलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं ज़का अशरफ कि मेरी कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी, क्या ये ज़का अशरफ किसी और के इनपुट के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई मैं बाबर का पत्ता काटूं, बाबर को बोलूं कि नो बाबर यू हैव टू हैव सरफराज इमाद वसीम एंड हसन अली, तो चलो उन्होंने खुद ही मांगा होगा, हसन अली तो पसंद है बाबर को, मोहम्मद आमिर हो सकता है, मोहम्मद आमिर का वैसे चांस नहीं है लेकिन फिर भी यू नेवर नो वो कुछ भी हो सकता है। रुके क्यों हो, करना क्या चाह रहे हो, एक टीम ने एक हार ने तुम्हें इतना हिला के रख दिया कि हालत खराब हो गई। यार मैं तो ये कह रहा हूँ मामले जैसे आप बोल रहे हो ना कि रुके क्यों हो, करना क्या चाह रहे हो, आई थिंक समझ में उनको भी नहीं आ रहा है। मेरा तो सीधा अभी तक जितना मुझे लग रहा है कि बाबर ने जो भी बोला है कि भाई ये टीम मुझे चाहिए, इंजी भाई कह रहे हैं कि चलो ठीक है इस टीम के ऊपर बात करते हैं, ज़का अशरफ कह रहे हैं कि मुझे हिसाब दो कि भाई तब ही मैं जो है टीम की पुष्टि करूंगा, टीम जो है वो सबके सामने रखूंगा जब आप मुझे हिसाब दे दोगे। तो कहीं ना कहीं इंटरनली क्लैश नहीं लग रहा आपको कि क्या बाबर जो है वो हिसाब देना नहीं चाह रहे हैं? भाई पता तो ज़का अशरफ को भी होगा ना कि आप हारे क्यों हो, या तो आप दूसरे एंगल से सोच रहे हो, दूसरी इसमें थ्योरी नई थ्योरी निकाल रहे हो कि यार कहीं फिक्सिंग वगैरह का कोई सीन तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो ज़का अशरफ को भी पता है किसने हराया है, पूरी टीम ने हराया है, बाबर आजम कप्तानी आप देख यार, फिर आप पैथेटिक कप्तानी। ये जब से आपने डर बोला ये कौन सी तस्वीरें लग रही है यहाँ पर यार, आज हुआ क्या है? जैशा इसमें खुश पाकिस्तान के हाल ये हो क्या यार, वापस आ जाओ यार, ऐसे ना दिखाओ यार, जैशा क्या कर रहे हो आप, देखे कितने खुश हैं, ऐसे ना करें आप, वो यार दूसरे मैच की थी, आप कहां की बात को कहां फिट कर रहे हैं।